हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं कुछ आप लोग को इन्फो दूंगा अबाउट एडिंग न्यू फीसेस, किस तरह से ऐड करना चाहिए, फीस अगर स्टार्टिंग में फीड नहीं ले रहा है क्या करना चाहिए, ओके, लाइव फीडिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो बहुत सारे मैं पॉइंट्स आप लोग को आज बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जस्ट बेसिक पॉइंट्स, ओके। नाउ सबसे पहले गाइस, मैं जैसे सोचता हूँ दो टाइप का हॉबिस्ट होता है। एक जो खुद का बेटरमेंट के लिए, जो खुद को जो पसंद है उस हिसाब से फिशेस बाय करता है, फिश के लिए नहीं सोचता है। लाइक उसके पास सपोज एक 4 फीट का एक्वेरियम पे है, उसी पे वो अरवाना डाल दिया, स्टिंगरे डाल दिया, कैटफिश डाल दिया, चिकलेट डाल दिया, गोल्ड फिश डाल दिया, मिक्स कर दिया पूरा। हाँ, उसको बस भरा हुआ टैंक दिखना चाहिए, कोई भी गेस्ट आएगा, हाँ बहुत सारा मछली रखा है। उसको कोई भी नॉलेज नहीं रहता टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कंपैटिबिलिटी कौन किसके साथ रहता है, कुछ नहीं देखता है। फिश लाता है, एक दो हफ्ते पर फिश मर जाता है, फिर जाता है शॉप में, फिर बाय करता है और शॉपकीपर को उन लोगों को उल्टा सीधा मिसगाइड करके और फिशेस बेचता है। उसको मैं छोड़ ही देता हूँ, उनको मैं कभी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। एक और हॉबीज रहता है जैसे हम लोग के तरफ, जो फिश के लिए सोचता है, फिश को स्टडी करता है बाय करने से पहले, उसका टैंक सेटअप कैसा रहता है, कितना बड़ा वो हो सकता है, व्हाट आर द अदर फिशेस ही कैन लिव विद, टैंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और भी बहुत कुछ है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर बाइंग ए न्यू फिश, सपोज सोच लीजिए आप बेबी रेड टेल कैटफिश बाय किए या टाइगर सोवेलोस, तो इनका टैंक सेटअप आपको पहले से रेडी रखना होगा। फर्स्ट है, आपको हाइडिंग प्लेस रेडी रखना होगा टैंक पे। हाइडिंग प्लेस में आप केप्स यूज़ कर सकते हैं, या बेस्ट ऑप्शन है आप 4 इंची या 3 इंची का जो पीवीसी पाइप रहता है सीवेज में जो रखता है, वो आप काट के डाल सकते हैं पहले से। अगर वो मूव करता है ज़्यादा तो आप रॉक दे के या सकड़ दे के आप उनको प्रॉपरली होल्ड करके रख सकते हैं। सेकेंड है गाइस, आर्टिफिशियल जितना प्लांट्स है, अगर आप मॉन्स्टर फिश रखते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स सब हटा दीजिए, नेचुरल प्लांट भी जो है कुछ कुछ आप रख सकते हो, बाकी सब हटा दीजिए। थर्ड पॉइंट है, बेयर बॉटम इज़ बेस्ट। रॉक्स कैटफिश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है फीडिंग के टाइम एक दो पत्थर अगर उनके मुंह पे चल गया तो वो चोक करके मर सकता है। तो अगर आपको डेकोरेशन का कुछ मतलब थोड़ा सा भी करना है तो मिनिमम आप एक थिक लेयर का सैंड दे सकते हैं, ओके, बाकी रॉक्स पेबल्स ये सब हटा दीजिए। फिफ्थ पॉइंट हो गया गाइस, आप पानी हमेशा, नया फिश का अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं पानी कम रखिए। स्टार्टिंग 2 फीट का हाइट है तो उसको आप पानी 50% तक रखिए। इससे क्या होता है पानी भी क्लीन रहेगा और लाइक फिश को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नया जगह पे लाइक शॉपकीपर पर अगर आप जाओगे कोई भी दुकान से, वहाँ स्टार्टिंग पे आप देखिएगा छोटे जगह पे रखते थे, अगर आप फटाक से उसको ला के एक बड़ा टैंक पे रख दिए, पानी का हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो फिश तुरंत स्ट्रेस पे आ जाएगा, वो फीडिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो पानी कम रखिए, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही बड़ा टैंक है 6 फीट का तो बीच में एक पार्टीशन लगा दीजिए। एंड गाइस, फिश को जल्दी बड़ा करने के लिए अगर आप लोग सोचते हैं पानी का हाइट इम्पॉर्टेंट है तो भूल जाइए, पानी का जो लेंथ रहता है और विड्थ वो मेन रहता है फिश को ग्रो करने के लिए। हाइट ज़्यादा पानी रखने से कुछ नहीं होता है। मेरा सारा टैंक में मैं पानी कम रखता हूँ, इससे क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा रहता है ऊपर पे और फिश को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, तुरंत ऊपर जाएगा सांस लेके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर आप बच्चा फिशेज कोई भी बाय करते तो। फिर हो गया गाइस फीडिंग का, चलिए आप फिश ऐड कर दिए एंड कोई फिश अगर उसको तंग नहीं कर रहा है तो ठीक है, पाइप्स वगैरह डला हुआ है, हाइडिंग प्लेस है। ऐसे बहुत सारे फिशेज है जिसको हाइडिंग पसंद है तो वो लोग वो हाइडिंग प्लेस पे जाके छुप जाएगा। एंड अगर आप बात करते हैं फीडिंग का, तो स्टार्टिंग पे गाइस कोई भी फिश 1 दिन 2 दिन फीडिंग नहीं लेता है, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस पे रहता है, ठीक है, नया जगह नया पानी और दूसरा उसका अदर फिश भी रहता है टैंक पे। दूसरा अगर फिश नहीं रहता है टैंक पे तो ठीक है, दूसरा फिश भी रहेगा 2-3 अलग से पहले से तो और भी नहीं खाएगा, ओके। तो उनको टाइम देना होगा, आपको आपको ऑब्जर्व करना होगा और फीडिंग
अगर करना है तो एकदम रात को लाइट्स ऑफ करके फीडिंग कीजिए, ठीक है। एंड गाइस, मैं आजकल बहुत दे रहा हूँ, बहुत जन लाइव फीडिंग दे रहा है, तो लाइव फीडिंग इज़ गुड, मैं कभी उसको मना नहीं करता, बट एक्वेरियम का फिशेस को लेकर लाइव फीडिंग मत दो आप, ठीक है। आप ऑल्टरनेट जेब्रा फिश दे सकते हैं, नहीं तो आप मिनियन कार्प जो तालाब में आदमी फेंकता है, फिश सीड जिसको बोलता है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप होममेड फूड भी देख सकते हैं, लाइक रीम, मार्केट स्ट्रीम, चिकन लिवर, चिकन हार्ट, ये सब भी बहुत अच्छा फीड है और ड्राई फीड भी है, ठीक है। बट डोंट फीड गोल्ड फिश, मॉलीज, ये सब अनहेल्दी है गाइस, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, लाइक फिश को ब्लोट हो जाता है, स्विम ब्लडर डिजीज आता है, चोक हो जाता है बहुत टाइम पे, ठीक है। एंड नॉर्मली गाइस, फिश फीड नहीं लेता है, सबसे मेन कारण रहता है दूसरा फिश उसको बुली करता है, उसका स्ट्रेस आउट हो जाता है उसके कारण, वो इसीलिए वो फीड नहीं करता है, डरा हुआ रहता है, तो ये सब रीज़न रहता है। एक और रीज़न रहता है गाइस, टेम्परेचर का, वो आप ज़रूर मेंटेन कीजिए, लाइक अगर ठंडा का टाइम है तो आपको पानी गर्म रखना हो, ठंडा में बहुत फिशेस फीडिंग नहीं करता है, ओके। कौन सा फिशेस का कौन सा टेम्परेचर है वो आप गूगल से देख सकते हैं। एंड लास्टली गाइस, फिल्ट्रेशन आपको अच्छा रखना होगा, गंदा पानी से सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वही मेन रीज़न रहता है फिश का डेथ होना। और कोई भी लेफ्ट ओवर अगर फूड रहता है पानी के अंदर, अगर आप फीडिंग दिए वो नहीं खाया एक्स्ट्रा फूड, वो आप निकाल लीजिए। एंड फिल्ट्रेशन बेस्ट होगा, आप टॉप फिल्टर यूज़ कीजिए या DIY या बकेट फिल्टर बना सकते हैं, इंटरनल फिल्टर उतना अच्छा नहीं है गाइस। सो गाइस, यही था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले गाइस, आप टैंक सेटअप कीजिए, अच्छा से रेडी कीजिए, एंड कोशिश कीजिए जब भी आप नया फिशेस मिक्स्ड कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो सबको एक साइज में चूज़ कीजिए, लाइक स्टिंगरे बेबी होना चाहिए, अरवाना का ले रहे वो भी 6 इंच का होना चाहिए, स्पॉटेड गार अगर आप ले रहे हो 6 इंच होना चाहिए, बट डोंट बाय एलिगेटर गार क्योंकि आप लोगों को पता है वो कितना बड़ा होता है। तो इस तरह से आप सेम साइज का फिशेस साथ में बाय कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपका टैंक पे ऑलरेडी कुछ फिशेस है फिर आप नया कुछ फिश बाय कर रहे हो तो दैट्स चैलेंजिंग, ठीक है, क्योंकि तुरंत फिश ऐड करने से दूसरा फिशेस उसको मार सकता है, स्ट्रेस कर सकता है, तो वो आप नोटिस करना होगा, आपको ऑब्जर्व रखना होगा, अगर उस तरह से कुछ होता है तो आपको बीच में पार्टीशन देना होगा। सब फिश को गाइस सेट होने पर टाइम लगता है, जब वो सेट हो जाएगा फिर आप पार्टीशन हटा दीजिएगा, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए गाइस, लाइव फीडिंग आप इग्नोर कीजिए, मैं गाइस बहुत स्टार्टिंग पे देता था लाइव फीडिंग, अभी मैं इतना भी फिशेस में ग्रो आउट कर रहा हूँ किसी को मैं लाइव फीडिंग नहीं दे रहा हूँ, सबको वही श्रिंक पावर फीडिंग में दे रहा हूँ, फिर लीवर दे रहा हूँ, चिकन का हार्ट दे रहा हूँ, ठीक है, लाइव फीडिंग इग्नोर कीजिए। सो ये था गाइस कुछ बेसिक्स की पॉइंट्स, पर जो भी न्यू है रेगुलर प्रॉब्लम फेस करता है, मुझे मैसेज करता है, उनके लिए वीडियो है गाइस, सो फॉलो करो ये सब स्टेप्स, आई होप आप लोग को हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।